हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है ऑडिट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। लेकिन एग्जाम में कोई भी ऑडिट प्रोग्राम पूछा जा सकता है। मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसलिए कवर किया है क्योंकि लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर में मेजॉरिटी बार हर बार ऑडिट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेजेस पूछा गया है। लेकिन अगर कोई और ऑडिट प्रोग्राम भी पूछते हैं एग्जाम में तो भी उसके हेड पॉइंट्स सेम ही रहने वाले हैं। तो अगर आप ये 8 हेड पॉइंट्स जो भी मैं आपको याद करवाऊंगा वो याद कर लेते हैं तो आप कोई और ऑडिट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम के 8 हेड पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशंस, दूसरा एक्ट्स एंड प्रोविजन, तीसरा अकाउंटिंग सिस्टम, चौथा इंटरनल चेक सिस्टम, पांचवा वाउचिंग ऑफ कैश रिसीट्स, छठा वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स, सातवा वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और लास्ट में एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 8 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कोई भी ऑडिट प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी इस वीडियो में अभी हम लोग ऑडिट प्रोग्राम समझेंगे किसका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो सबसे पहले वही लिखा हुआ है ऑडिट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। उसमें सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। मैंने भी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन सबसे हेड पॉइंट नंबर 1 आएगा, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बात हो या कोई और कंपनी की बात हो। कोई भी ऑडिट प्रोग्राम में सबसे पहला हेड पॉइंट क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन का मतलब होता है कंपनी के केस में MOA और कंपनी के AOA। दैट इज कंपनी का MOA और AOA क्या बोलता है, कंपनी क्यों फॉर्म हुई, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं, कंपनी के MOA और AOA में। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में MOA AOA हो जरूरी नहीं है, तो उसके बायलॉज आते हैं। क्या आते हैं, उसके बायलॉज के क्यों बनी है, तो उसके बायलॉज क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो लिखा है द ट्रस्ट डीड, जो बायलॉज का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट डीड शुड बी एग्जामिन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। के ट्रस्ट डीड पढ़ लो कि क्यों कॉलेज या स्कूल फॉर्म हुआ है। जैसे कोई स्पेसिफिकली वुमेन्स कॉलेज है तो वुमेन्स के एजुकेशन के लिए फॉर्म हुआ, तो उसकी ट्रस्ट डीड में लिखा होगा कि ये जो कॉलेज का हमने स्टार्ट किया है, ये कॉलेज को हमने इनॉग्रेट किया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाँ भाई वुमेन एजुकेशन को या वुमेन एम्पावरमेंट करना इंडिया में। वैसे ही हम लोग को जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में ट्रस्ट डीड पढ़ लेनी है। अगर कोई कंपनी होगी तो उसमें क्या पढ़ लेंगे, कंपनी के MOA AOA और मिनट्स पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है एक्ट्स एंड प्रोविजन। देखिए ऐसा है, अगर कोई कंपनी होती तो हम लोग कौन से एक्ट लगाते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। बैंकिंग होती तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग जाता, इंश्योरेंस कंपनी होती तो इंश्योरेंस IRDA लग जाता। वैसे ही कंपनी के ऊपर तो कंपनीज एक्ट लग जाता है, लेकिन स्कूल्स कॉलेजेस में जो भी रिलेवेंट एक्ट होता है वो हम लोग को एप्लीकेबल कर देना है। अगर आपको याद नहीं है कौन सा एक्ट लगता है तो रिलेवेंट एक्ट ले लेने का। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ यूनिवर्सिटी द एप्लीकेबल स्टैट्यूट, जो भी एप्लीकेबल स्टैट्यूट है शुड बी स्टडीड, उसको पढ़ लेने का। साथ में मिनट बुक्स पढ़ते हैं, तो वो लिखा है द मिनट बुक्स ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी शुड ऑल्सो बी एग्जामिनर। मिनट बुक्स भी पढ़ लेने का। मिनट बुक्स क्या होती है, जो भी कंपनी की मीटिंग होती है या इस केस में स्कूल कॉलेजेस ट्रस्टीज की जो मीटिंग होती है, तो वहां पे हर एक चीज जिसने जो बोली जाती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग मिनट्स बोलते हैं। तो मिनट मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ वो मिनट्स में लिखा जाता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, मिनट्स पढ़ लेगा ताकि उसको आइडिया आए कि किस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मिनट्स के हिसाब से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे। तीसरा आता है अकाउंटिंग सिस्टम। अब तीसरा पॉइंट आता है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ऑडिटर हमेशा ये देखेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ऑडिट करने जा रहा है उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कि कौन सा जो फर्म या यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल कॉलेज वो जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है वो किस अकाउंटिंग सिस्टम से मेंटेन कर रही है, कैश सिस्टम से या मर्केंटाइल सिस्टम से। आपको भी पता है मर्केंटाइल सिस्टम कंपलसरी होता है, कोई भी कंपनी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सबके लिए। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो वो कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकती है। तो ऑडिटर को देखना जरूरी है कि जो वो ऑडिट करने जा रहा है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो या किसी कंपनी हो, तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, कैश बेसिस पे है या मर्केंटाइल बेसिस पे। तो वो लिखा हुआ है द मोटिव फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नॉट टू मेक प्रॉफिट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता। सच इंस्टीट्यूशन देयरफॉर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसलिए वो PNL अकाउंट बनाती ही नहीं है, क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ PNL अकाउंट। तो PNL अकाउंट बनाने के बदले क्या बनाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट शुड बी बैलेंस शीट आल्सो प्रिपेयर्ड, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं,
तो मैंने अभी आपको बताया ऐसी चीजें जो नॉन प्रॉफिट के लिए होती है वो पीएल अकाउंट नहीं बनाती, वो कैसे बनाती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस केस में ऐसा ही है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा होगा नहीं। आगे सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक सिस्टम मैंने आपको बताया था एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर लेता है कि इंटरनल मूवमेंट कैसे जा रही है, वो चेक करने को बोलते हैं इंटरनल चेक सिस्टम। तो कंपनी का काम है कि वो इंटरनल चेक सिस्टम अच्छे से फॉर्म करे ताकि ऑडिटर के लिए काम इजी हो जाए। देखिए ऐसा है कि हर एक ऑडिटर ये चेक करता है कि इंटरनल चेक सिस्टम कितना रिलायबल है। अगर इंटरनल चेक सिस्टम एकदम साउंड चल रहा है तो वो टेस्ट चेकिंग भी कर सकता है, लेकिन अगर इंटरनल चेक सिस्टम रिलायबल नहीं है, अगर साउंड नहीं चल रहा है तो वो टेस्ट चेकिंग नहीं करेगा। तो देखेगा कि हाँ भाई इंटरनल चेक सिस्टम कैसा चल रहा है कंपनी के अंदर, चाहे फर्म के अंदर, चाहे इंडस्ट्री के अंदर, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, कि कैसे एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर लेता है ताकि क्रॉस चेकिंग इजिली हो जाए, फ्लो ऑफ वर्क इजिली डिवाइडेड रहे सब लोगों के, किसी एक पर्सन के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आगे वाउचिंग ऑफ कैश रिसीट्स। अब ये डिपेंड करता है किस कंपनी की बात करें, जैसे स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो रिसीट्स कौन सी होती है, अब आप बताएंगे कॉलेजेस में स्कूल्स या कॉलेज की बात कर ले, स्कूल्स की बात कर ले, यूनिवर्सिटीज की बात कर ले, उनके पास पैसा कहाँ से आता है, रिसीट्स कहाँ से आती है? तो आपको ये पता है जो स्टूडेंट्स से फीस इकट्ठा करते हैं वो सबसे बड़ा उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है कैश रिसीट्स का, या इसके अलावा जो गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स देती है या डोनेशन आता है, ये सब रिसीट्स होती है। तो उसको चेक कर लेने का कि हाँ भाई जितना पैसा मिला है स्टूडेंट से उसकी रिसीट्स फॉर्म हुई है कि नहीं हुई, कोई ब्लैक मनी तो नहीं हो रहा है, कोई कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको बराबर से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, उनकी रिसीट से उनको बिल क्या बोलते हैं उसको रिसीट्स दी जा रही कि नहीं दी जा रही, तो वो सारी चीज़ें चेक करने को क्या बोलते हैं वाउचिंग ऑफ कैश रिसीट्स। तो वो लिखा है कौन कौन सी इनकम होती है, मैंने अभी आपको बताया फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, जिम का ना फीस हो गई, गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स होते हैं वो हो गई, डोनेशन हो गई, ये सारे क्या है रिसीट्स है, कैश रिसीट्स हैं। इसके अलावा एग्जांपल वही समझाया हुआ है, पहला रिसीट्स हो गई, जो काउंटर फॉइल्स और चेकबुक्स वो चेक कर लेने का कि हाँ भाई जो पैसा मिला है उसका बराबर से डॉक्यूमेंटेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ। इररिकवरेबल फीस शुड बी रिटर्न ऑफ ओनली आफ्टर रिजोल्यूशन, ऐसी फीस जो रिकवर नहीं हो सकती तो उसको राइट ऑफ कर देने का, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद राइट ऑफ करने वाले, वो कैसे करने वाले, उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हुआ है काम के नहीं हुआ वो देख लेने का, मेन ध्यान देने का ऐसी चीज़ों के ऊपर जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटी की, लेबोरेटरी की फैसिलिटी की, उसके नाम पे जो भी फीस मिली है वो गलत जगह तो नहीं जा रही, जिस स्पेसिफिकली पर्पस के लिए फीस ली गई है स्टूडेंट से उसी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ हमारे जो स्कूल्स कॉलेज उसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो देख लेने का। एंट्रेंस फीस है वो भी वेरीफाई करने का कि हाँ भाई जो एक्चुअली एंट्री जितने नंबर ऑफ एंट्री हुई है उसके हिसाब से एंट्रेंस फीस ली गई है एंड सो ऑन। तो ये एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप अपने आप बना के लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि कौन कौन सी स्कूल की फीस रिसीट्स होती है, इनकम्स होती है, वो आप अपने आप बना के लिख सकते हो। देखना ये है कि जो भी पैसा आया है वो बराबर से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, और जिस पर्पस के लिए आया उस पर्पस के लिए रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। आगे आता है वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स। अब कैश पेमेंट्स क्या हो गया, अब मेरे को बताइएगा स्कूल कॉलेजेस के लिए पेमेंट्स क्या है, जो भी टीचर्स हैं या जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको जो फीस या सैलरी देते हैं वो क्या है उनका खर्चा है। इसके अलावा जो भी वो लोग एसेट्स खरीदते हैं जैसे बेंचेस लेके आए, स्टेशनरी लेके आए, तो वो सब क्या है उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं वो भी उनके लिए क्या है एक्सपेंडिचर्स है। तो वो लिखा है वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स में सबसे पहले सैलरीज, तो सैलरीज चेक कर लेने का और उसकी सैलरी रिसीट चेक कर लेने का, सैलरी स्लिप चेक कर लेने का, एक्चुअली जितनी सैलरी दी गई है उतनी सैलरी रिकॉर्ड भी हुई है कि नहीं हुई वो चेक कर लेने का, एक्चुअली बैंक से जितना पेमेंट हुआ है उतना अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक कर लेने का। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कोई बेंच खरीदी या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो ये सब खर्चे कौन से होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया कि नहीं किया वो चेक कर लेने का, उसके बिल्स चेक कर लेने का। तो ये भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कौन कौन से खर्चे होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के, वो सब इस हेड के अंदर आएंगे वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए जब भी एक एसेट को वेरीफाई करते हैं तो पांच चीजें जरूर देखते हैं, उसके एग्जिस्टेंस, उसकी ओनरशिप, उसकी वैल्यूएशन, उसका उसके ऊपर कोई चार्ज तो है कि नहीं, और लास्ट में ये देख लेने का कि हाँ भाई वो प्रॉपर्टी उसके टाइटल क्लियर है कि नहीं। तो ये पांच चीज जो हम लोग देखते हैं उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो हर एक ऑडिटर का काम है कि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर पांच चीज देखे, पहला उसका एग्जिस्टेंस चेक करे कि हाँ भाई ऑन पेपर कुछ दिख रहा है लेकिन असली में भी वो एसेट एग्जिस्ट करना चाहिए।
दूसरा उसकी ओनरशिप चेक कर लो कि हाँ भाई वो कंपनी के है, दैट इज स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिस केस में उसके नाम पे है या नहीं है। किसी पर्सनल पर्सन का एसेट तो यूनिवर्सिटी के नाम पे नहीं दिख रहा तो उसका ओनरशिप चेक कर लो। तीसरा पोजेशन, उसकी प्रॉपर्टी का पोजेशन भी कॉलेज के अंदर ही होना चाहिए, कॉलेज के पास ही होना चाहिए, तो पोजेशन चेक कर लो। चौथा वैल्यूएशन, सही जगह पे वैल्यू मतलब सही अमाउंट पे वैल्यूएशन होना चाहिए कि ऑन पेपर दिख रहा है ये 10 करोड़ का है लेकिन असली में वो सिर्फ 2 करोड़ का हुआ तो ऐसा चलेगा नहीं। तो अगर असली में उसकी कीमत 2 करोड़ है तो बुक्स में भी 2 करोड़ ही दिखनी चाहिए, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन। और लास्ट में आता है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि उस एसेट को गिरवी रख के हमने पैसा उठाया तो नहीं है, तो वो चार्ज चेक कर लेने का। तो ये 5 चीज चेक करते हैं, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और लास्ट में आता है एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ऐसा है कि कुछ खर्चे होते हैं जो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं और कुछ खर्चे होते हैं जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे आपको समझ में, इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने नई कार खरीदी तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बैलेंस शीट में एसेट दिखाना चाहिए, लेकिन उस कार के अंदर पेट्रोल भरा रहे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको पीएल डेबिट पे दिखाना चाहिए। तो ऐसे खर्चे जो पीएल अकाउंट में दिखाने चाहिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, और ऐसे खर्चे जो एसेट होते हैं, खर्चे होते ही नहीं है, उसको हम लोग एसेट साइड पे दिखाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग बराबर से बाइफर्केट करें, ऐसे खर्चों को जो एसेट पे दिखाना चाहिए उसको मैं पीएल में नहीं दिखाऊं, और इन द सेम वे जो पीएल में दिखाना चाहिए उसको मैं एसेट पे ना दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं पीएल में कोई खर्चा लिख रहा हूं तो उसकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने नई कार खरीदी उसको मैंने पीएल डेबिट पे डाल दिया तो मेरा प्रॉफिट बहुत एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। जरूरी है कि उसको मैं कहाँ दिखाऊं, एसेट साइड पे दिखाऊं, और उसके ऊपर जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है पेट्रोल का, रिपेयरिंग का, उसी को ही मैं पीएल डेबिट पे दिखाऊं। तो ये देखना जरूरी है ऑडिटर को कि जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के हैं उसको पीएल में ही दिखाए गए हैं, और जो नेचर जो एसेट्स मतलब जो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के हैं उसको एसेट साइड पे दिखाया गया है। तो इसमें गड़बड़ ना हो ये देखना भी किसका काम है, ऑडिटर का काम है। इसलिए लास्ट पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। इजी, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है, एकदम इजी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये 8 पॉइंट्स। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये 8 पॉइंट्स आप किसी और ऑडिट प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, अंदर का अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस आंसर में सिखाया। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया है और आपको पढ़ने में मजा आया और इजी लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखते रहिए।